सर क्या क्या कमी लगी आपको इसमें? नहीं वैसे जो गाड़ियों में देखा है वो ऐसा नहीं होता ना कुछ उसमें, नहीं फिल्टर देखो रहा था इसमें। अच्छा इसमें भी धूल मट्टी वट्टी है जितनी जमा हो जाता है, डस्ट वगैरह कितना गंदा है देख लो, तो उसकी वजह से एवरेज पे फर्क पड़ता है। आवाज आती है ना गाड़ी में, ब्रेक मारते टाइम इसकी वजह से आती है, ग्रीसिंग वगैरह नहीं होती। आज ये गाड़ी सर्विस इसी भाई से करवाएंगे। चल भाई अब स्टार्ट कर ले भाई, मेरी सर्विस कर दे गाड़ी की तू फटाफट। भाई देख पप्पू भाई है ना, इतनी इतनी अच्छी सर्विस मेरी स्कूटी की करके दिया था, मेरे को मजा आ गया था, इसलिए मैं इसकी दुकान पे ही आ गया सर्विस कराने अपनी बाइक की। तो ये शॉप है नायन से आगे रोड पे ही है भाई, जो भी यहाँ रहने वाले हैं गांव साइड में वो करवा लेना भाई, सर्विस बहुत अच्छी करेगा भाई, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मेरा नाम लेगा ना, मेरा नाम लोगे ना तो डिस्काउंट भी दे देगा भाई। सर क्या क्या कमी लगी आपको इसमें? गाड़ी चाहे पूरी बदली है, दबरी है ना, हाँ बदली है, दबरी है आवाज़ तो, एक तो मेन तो इसकी आती है यार, ये तो हिलती है जब। बजाज वालों से तो बहुत सर्विस कराई है आज भाई, पप्पू भाई से करवाते हैं, देखते हैं कैसी करता है कैसे नहीं करता भाई। स्कूटी की जो करवाई थी ना उससे एवरेज भी बहुत अच्छी हो गई थी और काफ़ी दिन तक ना बढ़िया मज़ा आ रहा था भाई चलाने में स्कूटी। उसके बाद पापा पता नहीं अब कैसी करवाते हैं, पापा को दे दिया जब से स्कूटी। ये देखो पूरी स्कूटी खोल के इंजन अलग रख रखा है, किसी भाई की होएगी ठीक करने के लिए आई होगी, इंजन के काम भी करता है भाई। भाई कितना काला हो गया मेरा तेल, क्या लगा भाई क्या है ये है। नहीं वैसे जो गाड़ियों में देखा है वो ऐसा नहीं होता ना कुछ उसमें, नहीं फिल्टर देखो रहा था इसमें। अच्छा ये चमक नहीं, बाकी गाड़ियों में भी आता है ऐसा? नहीं बाकियों में नहीं आता ना, मैंने यही देखा बजाज की गाड़ी में फिल्टर सा लगा हुआ। बजाज में भी उस समय आएगा ये इंजन BS6 वाला ना, ये क्या है बुल्ट खोलने का? करते काम इसे लेकिन इसे इंजन का काम ज्यादा करता है। हां वैसा बोल्ट खोलने की मशीन रख रखी है बंदे ने, काम सारा कर देगा, सब कुछ कर सकता है। गंदी देख रहे हो भाई कितनी हो गई गाड़ी, पूरी की पूरी मट्टी मट्टी हो गई। नहीं करेंगे जब देखेंगे। भाई देख रहे हो मशीन से कैसे काम होता है। ये देखो किसी को जल्दी हो ना तो फटाफट करवाना हो इस तरीके से, एक मैकेनिक होता है कि वो पाने वाने लेके उसको खोल रहा होता है धीरे धीरे, और देखो क्या है ना दिल्ली में हम जब सर्विस कराते हैं ना भाई वो इस तरीके से ना गाड़ी को पूरी जैसे चैन सेट हटा दिया ये सारी चीज़ें नहीं करते भाई, वो क्या करते हैं ऊपर ऊपर से धुलाई करी इसकी, ठीक है उनको लगा अगर चैन ढीली है तो खोलेंगे इसको, नहीं तो खोलते ही नहीं है। अब जैसे इसने भाई ने कवर ओवर हटा दिया पूरा, अभी देखना कितने बढ़िया तरीके से सर्विस होती है। आ जाना भाई यहाँ पर करवाना सर्विस, और जो भी आसपास में रहते हैं ना लोग बढ़िया करता है भाई। जब मैंने अपनी स्कूटी सर्विस कराई थी ना तो पूरा खोल दिया था पूरी स्कूटी, आप देखोगे ना उस टाइम मेरी वीडियो में तो कार्बोरेटर वगैरह किस तरीके से साफ़ किया था भाई ने। मैंने बजाज में 3 बार सर्विस करा ली लेकिन ये चैन सेट एक बार भी नहीं खुला। इसमें क्या है? एयर फिल्टर, एयर फिल्टर है इसमें। वैसे ये तो शायद निकाला था उन्होंने एक बार, मैंने देखा था एयर फिल्टर तो खोला था, मशीन से हवा सी मार देते हैं इस पर। ये भाई एयर फिल्टर इसका, इसमें भी धूल मट्टी वट्टी है जितनी जमा हो जाता है, डस्ट वगैरह कितना गंदा है देख लो, तो उसकी वजह से एवरेज पे फर्क पड़ता है ना भाई, एवरेज पे इस पे फर्क पड़ता है, इसी से एवरेज पे फर्क पड़ता है। ये यहाँ लगा हुआ था देख लो कितना गंदा हो रहा है।
इसका हम पेट्रोल साफ करेंगे वहाँ पे, इस पे ना हवा मारते हैं बस। और इसको अब देखो यहाँ भाई पेट्रोल निकालेगा यहीं से मेरा, मेरे को दिल्ली तक भी जाना है भाई, कम लियो। मजाक कर रहा हूँ भाई, सही से करियो एकदम सर्विस भाई, पेट्रोल भरा के लेके आया करो थोड़ा सा, अगर सही से सर्विस करानी है तो। टूटी की तरह यार टूटी है तो खोला और निकाला पानी की तरह। पेट्रोल साफ हो गया, इसमें पेट्रोल गया था, ये साफ हो जाएगा। एक ही पेट्रोल से दो काम हो गए, ये तो साफ हो ही गया, वो भी हो जाएगा। एक मशीन दिखाता हूँ इससे हवा कैसे मारेगा प्रेशर से। ये काम घर पे नहीं हो पाता बस, यहाँ पे क्या पेट्रोल से धो लिया, हवा मार के प्रेशर से साफ कर दिया। बहुत तेज हवा आती है इसमें, इसके बाल सेट करियो। देख रहे हो गाइस हवा, ओए भाई तेरे को बाइक वाइक सीओ तो ले लियो यहाँ से, राजस्थान नंबर मिलेगा बस, ये निकलवा देगा तेरे को। देते हैं गाड़ी, देख रहे भाई बाइक भी खरीद ले हो यार, यहाँ से आके ना परचेज वर्चेज भी कर सकते हो, अगर कोई भाई को पास होएगी ये गाड़ियाँ खड़ी है जैसे, अगर कोई होएगी सही कोई बैठ गया हिसाब किताब तो ले लेना भाई से। भाई दिल्ली में करवाते ना सर्विस, ऐसी नहीं होती है, बैठा के जरूर रखेंगे वो दो तीन घंटे कि काम कर रहे हैं, लेकिन खोल खा इतना खोलते नहीं है गाड़ी को। हाँ ये फिल्टर खोलेंगे, ऑयल डालेंगे, ठीक है धुलाई अच्छी सी करेंगे और बोलेंगे चलो ठीक है हो गई सर्विस। भाई ये तो ना वो है मशीन गन होती है ना, धक 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 धक। चलो भाई टायर भी उतर गया अपना। इसको बोलते क्या है, लेदर? हाँ ये लेदर जो होता है, ब्रेक वगैरह लगती है टायर में, ये देख लो कितनी अच्छी तरीके से सफाई। दो बैरिंग है अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा, छोटा बैरिंग है। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं क्योंकि अंदर यहाँ पे वो लेदर लगा होता है, क्या रबड़ वगैरह लगे होते हैं, अंदर से साफ़ सफाई नहीं होती, मिट्टी धूल मिट्टी घुसी जाती है, ठीक है उससे परेशानी होती है गाड़ी चलने में। क्लीन होगा एवरेज भी अच्छी देगी, इसलिए आवाज़ लगा रहे हैं ग्रेस ताकि आवाज़ ना करें। अच्छा आवाज़ आती है ना गाड़ी में, ब्रेक मारते टाइम इसकी वजह से आती है, ग्रेसिंग वगैरह नहीं होती। चैन लूज है, चैन देख रहे हो भाई कितनी लूज है, लटक रही है, लटक रही है, उतर भी सकती थी, ये देखो कितनी लटक रही है भाई, बोल रहा हूँ उतर भी सकती है चलती चलती, इतनी लूज है। उतर जाती तो हम तो साइकिल की तो चढ़ा भी लेते थे भाई, इसकी तो हम चढ़ा भी नहीं पाएंगे, ये तो मैकेनिक ही चढ़ाएगा, हमको तो पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ अंदर, वो सोचेंगे गाड़ी ख़राब हो गई इंजन में कोई प्रॉब्लम। देख लो भाई इस तरीके से सेट कर दिया इसमें मामला, ठीक है टायर खोल के उसके अंदर से भी साफ सफाई कर दी है, ग्रीसिंग वगैरह कर दिया। हाँ मैंने टायर में देखा था कट कट से लगे हुए होते हैं, उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे ये देख ये जैसे फट रहा है ये, ऐसा फट तो रहा है, इसमें नया टायर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टायर खत्म होता ना हाँ दिक्कत आती है। हाँ नया टायर है, वैसे मैंने देख रहा था तो कैसे फट सा गया, ये देख लो भाई चैन टाइट किस तरीके से होती है इसकी, अभी धीरे 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 जितनी भी लूज है ना, और ये चैन देखो धीरे धीरे उठने लग जाएगी, और यहाँ से ऊपर हो गई। तो भाई देख लो यहाँ पे ना एक ये वायर क्लच के लिए जो यूज़ होती है अपनी, ठीक है ये वायर, और ये एक्सीलेटर जो देते हैं अपन रेस, इसकी जो वायर्स हैं यहाँ पे, इसको ना निकाल के भाई ये क्लीन करके दिखाएगा अभी आपको, ठीक है इस तरीके से होती है सर्विस। ये देख लो भाई यहाँ से ना सारा जितना भी ऑयल है ये नीचे तक चला जाएगा, पेट्रोल क्लीन हो जाएगी अंदर से तार।
ये आ गया बाहर, ठीक है। छीटे छीटे गिरने लग गए ना भाई ने, यहाँ से डाल दिया और ये वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ से बाहर आ गया। भाई यहाँ से एक्सीलेटर वायर की ये देख लो क्लीन हो गया अंदर से, क्लच वायर, क्लच वायर एक्सीलेटर ये थी, क्लच वायर, ब्रेक के था नहीं, ब्रेक तो डिस्क ब्रेक है। ये लो, इसमें क्या चेक करेगा? ऑयल, ब्रेक ऑयल। अच्छा, डिस्क का ब्रेक ऑयल, ऑयल तो है इसमें भाई, फुल भरा हुआ है तो थोड़ा सा नहीं नहीं फुल भरा ही होगा इसमें। ये ऑयल कौन सा होता है? अलग अलग से आता है ये, कौन सा फिल्टर होता है इसमें क्या करता है? ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर पूरी हेड वेड में शीशे आता है। हाँ भाई ये देख लो ऑयल फिल्टर ना, ये पड़ा हुआ ये चेंज कर रहे हैं आप, ये अब साफ सुथरा डल जाएगा ये भी। प्लग आ गया बाहर, प्लग, इसमें दो प्लग होते हैं, एक ही प्लग है इसका? दो, इसमें दो प्लग है ना, पहले सिटी में सब में दो आते हैं बाइकों में, सब में तो नहीं आते, ये बजाज की में आते हैं, बजाज की में ही मैं इसका बार पल्सर सही दे रही है, एवरेज एवरेज दे रही है, सफ़ेद हो रहा है ना, एवरेज दे रही है, ये काला होता है या कितना देते हैं एवरेज। सीखा तो कुछ, वो सफ़ेद है, खोल खोल के देख लेना भाई अपनी अपनी एवरेज, ब्लैक होगा तो उसको फिर सफाई वफाई करनी पड़ती है। नहीं नहीं सफाई नहीं, बदलेगा तो बदला जाता है? नहीं बदलेगा तो ये बताएगा नहीं, आके करवानी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात ही है, आके ही करवानी पड़ेगी आपको एवरेज, अगर सब सेट कर देगा भाई। इंजन में क्या है के अंदर टेप भी डालते हैं, वो चेक करने पड़ते हैं। हाँ काफ़ी चीज़ें मिक्सर आता है, वो चेक करना, ऐसे नहीं है ना कि आप घर पर ही कर लोगे फिर बोलोगे कुछ हुआ नहीं, हो तो वीडियो ठीक नहीं थी, करवानी पड़ेगी। सो भाई देख लो अभी गाड़ी कितनी गंदी है, अरे काम करे। ये धूल मिट्टी सारी टायर टूयर जितने भी हैं सारे गंदे गंदे पड़े हैं बिल्कुल, ये तो थोड़ी सी गीली कर दी है इसलिए शाइन वाइन लग रही है, लेकिन बाकी गंदी कितनी है अंदर से वो दिख रहा होगा। ये लो भाई देख लो इंजन की सफाई, ऊपर से भी अंदर से तो हो ही गई है, ये जितनी भी चैन वैन पे ये सारी डस्ट वस्ट लग रही है ना सारी पेट्रोल से, देखो इसके अंदर कितना ऑयल हो रहा है, ये सारा पेट्रोल से ना क्लीन हो जाएगा भाई, लगा दी इंजन तुम हैं, धुलाई नहीं हो पाती ना जल्दी से वहाँ पे, देख लो भाई पानी से सफाई तो देखी थी, पेट्रोल से सफाई देख लो। देख लो ऑयल वगैरह जो था ना सारा गायब, ठीक है क्लीन हो गई है बिल्कुल गाड़ी एकदम साफ सुथरी, जितना भी ऑयल जमा हुआ था सारा बाहर, ये मट्टी वट्टी एकदम क्लीन। टाइम लगता है यार अच्छी सर्विस के लिए, ये देख लो भाई धुलाई हो चुकी है और अब क्या है ना पानी वानी जो चला जाता है उसको मशीन के द्वारा सुखा देंगे यहाँ पे भाई, कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो, मतलब शॉर्ट वगैरह ना हो कोई भी वायर, कोई परेशानी ना हो, बंद ना हो गाड़ी,
उसके लिए भाई मशीन से ना से पानी वानी जो है सब निकल के बाहर आ जाएगा, सूख जाएगा। और दिखा देता हूँ, नंबर प्लेट यहाँ पे लगी होती है भाई, जितनी भी सिटी गाड़ी आ रही है ना, ये वाली अब जो आ रही है सिटी वाली, नंबर प्लेट यहाँ होती है। यहाँ मैंने लगाया बाबा का स्टिकर अपना, और नंबर प्लेट को मैंने करा है नीचे साइड, बाबा से कुछ इसका जुगाड़ बनवा के ये पत्ती, तो इससे गाड़ी की शो भी अच्छी लगती है। नंबर प्लेट नीचे, और मेरे जो बाबा है अपने श्याम बाबा, उनका स्टिकर भी ऊपर लगा हुआ है। ये देखो ग्रीसिंग, टायर जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए एकदम, जिससे एवरेज मेंटेन रहे, एवरेज अच्छी रहे। तो उसके लिए ग्रीसिंग हो गई, अलाइनमेंट भी कर दिया है भाई ने टायर का, दोनों साइड से चैन टाइट कर दिया है, अब ग्रीस कर रहा है धुलाई होने के बाद। सो भाई अपनी ना गाड़ी हो गई है रेडी, ठीक है ये देख लो। ये देख लो भाई क्या जबरदस्त लुक है अपनी गाड़ी का फाइनल। ये है सर्विस होने के बाद फाइनल लुक। तो ऐसा है अभी अपन लोग ना अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे दिल्ली में, ठीक है भाई।